भाजपा का उम्मीदवार अगर चुनकर आता है तो जितने भी चेहरे नाराज है वो खुशी से लहर जाएंगे। जो वायरल कर रहे हैं उनके बारे में आप पुलिस स्टेशन में जाके देखो, उनके ऊपर में कौन से आरोप और गुनाह दाखिल है। अनुसूचित जाति जमाति का काम नहीं होता, ऐसा नहीं है। बहुजनों का काम उत्तर नागपुर में नहीं होता और उत्तर नागपुर में पिछड़ा रखने की तैयारी कांग्रेस बीजेपी ये दोनों पक्ष करते हैं। दो दो डॉक्टर है, एक डिग्रीधारी डॉक्टर है तो एक ओरिजिनल डॉक्टर है। एक ने 4 साल जनता को लूटा और एक ने 5 साल जनता को लूटा है। जब से आपके नाम का अधिकृत घोषणा हुई है, चाहे बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे या बसपा का एक गुट रहे, वो तिमतिमा गया है, वो बौखला गया है, उनके चेहरे निराशा से भर गए हैं। आप किस और इसको देखते हैं, कैसा देखते हैं? बसपा का उम्मीदवार अगर चुनकर आता है तो जितने भी चेहरे नाराज है वो खुशी से लहर जाएंगे। हम देखते हैं कि हमेशा एक आरोप लगता है कि आप कुछ विरोधी खेमों से आरोप लगता है कि आप गाली गलौज ज़्यादा करते हैं, आपकी भाषा शैली जो है ये यानी मधुभाषी नहीं है, विनम्रता नहीं है, क्या आपको मालूम होगा कि जब आदमी कोई काम करता है तो जो जैसा मिलता है उसके हिसाब से वैसा ही व्यवहार होता है और उसका राजनीतिक लीडर जो है वो गैर फायदा लेते हैं और अफवाहें फैला देते हैं कि वो गाली गलौज करता है करके। आप सोचो अगर गाली गलौज किया रहता तो आज चुन के कोई मेरी घरवाली आई रहती, मैं 2 बार आया रहता, 2 बार उनके पक्ष के में चुन के आया। सोचो आप बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगा रहे हैं कि आप बी पत्ता खेला गया है, डमी उम्मीदवार है, गले मिलने की फुटेज आपकी पूरी वायरल हो रही है, पूरे नागपुर शहर में उसकी चर्चा है। जो वायरल कर रहे हैं उनके बारे में आप पुलिस स्टेशन में जाके देखो, उनके ऊपर में कौन से आरोप और गुनाह दाखिल है। कैसा आरोप करना आसान है और सिद्ध करना बहुत मुश्किल जाता है। आप देखो ये फोटो दिख रहा है, ये फोटो देखो, ये मोहन मते जी है और देश में युवा कांग्रेस के बंटी सेठ के, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये भी तो पेपर में आया है। अरे मैं 25 साल से चुन के आ रहा हूँ तो बाकी लोगों से तो मेरे ताल्लुकात रहेंगे। एक मुख्यमंत्री बना, अभी उप मुख्यमंत्री है, कई लोग आमदार भी बने और उनके बीच में से खासदार भी चुन के आने के लिए खड़े थे, तो क्या साठगांठ रहती है? अरे आपको लगता है कि साठगांठ है तो सिद्ध करो, एक तो तुम मेरे को गोली मारो नहीं तो मेरे लोग मेरे को गोली मारेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मैं गुमराह करने वाला उम्मीदवार भी नहीं हूँ और गुमराह करने वाला व्यक्ति भी नहीं हूँ। सांगोड़े साहब, आप हमेशा एक आरोप भी लगाते हैं कि अनुसूचित जाति का काम नहीं होता है, चाहे बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? भाई अनुसूचित जाति जमाती का काम नहीं होता, ऐसा नहीं है। बहुजनों का काम उत्तर नागपुर में नहीं होता और उत्तर नागपुर में पिछड़ा रखने की तैयारी कांग्रेस बीजेपी ये दोनों पक्ष करते हैं। हम देखते हैं कि जितने वाइन शॉप और देशी दारू के अड्डे उत्तर नागपुर में है, ये सारे कुल मिलाकर उतने विधानसभा में भी नहीं है। अवैध शराब है, नकली शराब है, इस पे आपका निवारण कैसा देखते हैं, क्या मैनिफेस्टो है आपका? भाई मेरे पिछले 50 वर्षों से शोषण का काम चलते आ रहा है, 25 साल में लोग सुधर गए थे, फिर से 25 साल में लोगों को बिगाड़ने का काम इन लोगों ने, नेताओं ने किया। जिनके हाथ में दारूबंदी विभाग रहा तो अपने दोस्तों को दारू के दुकान दिए इन्होंने और गरीब लोगों को दारू में पीड़ित करके उनके संसार को उध्वस्त कर दिए। ऐसे लोगों को मैं उनकी जगह जरूर बताऊंगा। दो दो डॉक्टर है, एक डिग्रीधारी डॉक्टर है तो एक ओरिजिनल डॉक्टर है। एक ने 4 साल जनता को लूटा और एक ने 5 साल जनता क्या को नाम लूटा है? एक नितिन भाव राउत है, उनको दारूबंदी विभाग, जेल खाने का विभाग, उसके बाद में पुलिस विभाग, मत्स्य पालन विभाग, ऊर्जा मिनिस्टर मिला, तो ये एक डिग्रीधारी डॉक्टर है। और दूसरा MBBS डॉक्टर है जो
जो मिलिंद माने साहब है, इन्होंने एक भी डॉक्टर का दवाखाना नहीं बनाया, तो ऐसे लोगों को आप चुन के देंगे, बार बार चुन के देंगे, तो इन लोगों को अपने वोट के ताकत से गायब करो, इनकी डॉक्टरी वापस करो, यानी इनको समझ में आएगा गरीबों का काम करना बहुत जरूरी है और गुमराह करना बहुत मुश्किल। आखिरी में मेरा एक सवाल रहेगा सांगोड़े जी कि हम देखते हैं 1960 में इस परिसीमन की रचना हुई, इस विधानसभा की रचना हुई, लेकिन आज भी पिछड़ी है, विकास की गंगा नाग नदी के नाले में तब्दील हो गई, इस पे क्या कहेंगे? भाई पीली नदी भी नाले में तब्दील हो गई, पीली नदी और नाग नदी इसको सफा करने के लिए टेंडर होते हैं हमेशा, लेकिन कर्ज बाजारी करने के लिए कभी जापान से पैसा मांगते हैं तो कभी इटली से पैसा मांगते हैं, तो ये गुमराह करने वाले लोग हैं, सत्ता में बैठे हैं, पुलिस साथ में लेके घूमती है लेकिन गरीबों का काम नहीं करती, पुलिस लोगों के पैसे अगर बचते हैं तो गरीबों के हित में बड़े दवाखाने, बड़े स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज ये लोग बना सकते थे, लेकिन मेरे को जो जनता चुन के देगी उनके लिए मैं ऐसा काम करने वाला हूँ जो इन्होंने नहीं किया, वो नया काम करके बताऊँगा। 25 साल में 4 स्कूल है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, 6 लाइब्रेरियाँ, 1 मसनघाट और 2 दवाखाने बनाया और 3 बड़े पुलिया बनाए। ये मरने के पहले पुलिया नहीं बनाए, 9 लोगों को समझा नगर के लोग बह के गए, तब भी डॉक्टर नितिन राउत जी थे, आप इतिहास देख लो। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता है बीएसपी का, उत्तर नागपुर की विनिंग सेट यहीं से चेंज होती है। हम देखते हैं कि लोग यहाँ पर, हम और कुछ बात कहना चाह रहे हैं, कुछ बातें अगर से छुट्टी है तो वो हम जोड़ते हैं, बोलिए। इतनी सरकारी जमीनें हैं जहाँ पर झोपड़पट्टी बैठी है, अभी तक के झोपड़पट्टी वासियों को कोई पट्टे वाटप नहीं हुए, जो सरकारी जमीनें थी वहाँ पर अच्छे दवाखाने, गार्डन और जिम खाना, बच्चों के लिए लाइब्रेरी, ये सब बना सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से 156 एकड़ जमीन थी, उसको 136 में तब्दील की गई है, 130 में तब्दील की गई है, वो गरीब काश्तकारों की जमीन थी, वो MIDC के तर्ज पे बड़े कारखाने लाने की प्लानिंग थी, लेकिन ये नेताओं के अलाली की वजह से, अलगर्जी पना की वजह से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसको हासिल करने के लिए मैं चुनाव में खड़ा हूँ, अगर चुन कर आता हूँ इनको ब्रेक लगा के बताऊँगा और ये काम करके बताऊँगा। सेकेंड नंबर पर बहुजन समाज पार्टी जब इसी विधानसभा से आई तो चौंकाने हुए रिजल्ट आए, इस बार हम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खाता खोलती है क्या? विरोधी पक्ष तिलमिलाया हुआ है जब से मनोज भाऊ सांगोड़े को अधिकृत उम्मीदवारी मिली है बहुजन समाज पार्टी से। आप बने रहिए आवाज़ इंडिया TV के साथ, प्रोग्राम अभी भी जारी है।